खेसारी लाल यादव के फैंस को लगा है एक बड़ा झटका, क्योंकि खेसारी लाल यादव का कैरियर अचानक से यहाँ पर हो सकता है थोड़े दिनों के लिए स्टॉप हो जाए, खास करके म्यूजिक सेक्शन की अगर हम बात करें, उनके गानों की बात करें। उसकी वजह यह है कि हमने सुना है, हमारे को सब्सक्राइबर ने बताया है कि खेसारी लाल यादव को हाई कोर्ट ने मना किया है 2025 तक कोई भी गाना किसी भी चैनल के लिए गाने के लिए जीएमजे के लिए। क्या कारण है वो जानने की कोशिश करेंगे हम इस वीडियो में, तो और शुरू करते हैं अभी जनता जंक्शन की तरफ से। मेक श्योर टू सब्सक्राइब, शुरू करते हैं अभी को। खेसारी लाल यादव को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने 5 करोड़ रुपए दिए हैं या नहीं दिए हैं, ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जितने भी आप न्यूज़ चैनल को देखेंगे, यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स को देखेंगे, ये सब कह रहे हैं कि खेसारी लाल यादव को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने 5 करोड़ रुपए दिए थे ताकि वो 200 गाने गाएंगे। लेकिन खेसारी लाल यादव जब कोर्ट का फैसला आता है, दिल्ली हाई कोर्ट जब फैसला सुनाती है, उसके बाद रात को लाइव आते हैं और खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि उनको 5 करोड़ रुपया मिला ही नहीं है। और जितने भी लोग ये न्यूज़ बना रहे हैं, ये सारी बातें झूठी हैं। और जो कोर्ट का फैसला आया है उसमें भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 5 करोड़ रुपए कंपनी ने दिए हैं। वो बता रहे हैं कि कंपनी ने दावा ठोका है कि 5 करोड़ रुपए खेसारी लाल यादव हमको एक तरह से कहें तो मुआवजा के रूप में देंगे। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, क्योंकि कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका एक PDF व्हाट्सएप फॉरवर्ड में सोशल मीडिया पर घूम रहा है। कोर्ट के इस फैसले का 89 पन्ने का पूरा ये फैसला है और इसमें क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ क्लेम किया गया है, इसकी सच्चाई हम वीडियो में आगे विस्तार से आपको बताएंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं संदीप मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। कल कोर्ट का फैसला आता है और कोर्ट का जैसे ही फैसला आता है उसके बाद से जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में खबर बनाने वाले लोग हैं, इसके बारे में न्यूज बनाने वाले यूट्यूबर्स हो, ब्लॉगर्स हो, तब हर इसके अलावा जितने भी नेशनल मीडिया चैनल है, हर जगह ये चलने लगता है कि खेसारी लाल यादव के एक तरह से कहें तो करियर पर ग्रहण लग गया है। क्योंकि 2 साल तक सितंबर 2025 तक वो दूसरी कंपनियों के साथ कोई एल्बम सॉन्ग नहीं कर सकते हैं और खेसारी की USP ही यही है, सबसे बड़ा उनका चीज़ ही यही है कि वो गाने के दम पर ही सबसे ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। अब इतना बड़ा जब हो हल्ला हुआ, हर तरफ लोग इस पर बात करने लगे, तो खेसारी लाल यादव इसके बाद रात में लाइव आते हैं। हालांकि यहाँ पे एक अलग चीज़ हुआ है, काफ़ी अनोखा चीज़ हुआ है कि खेसारी लाइव आते हैं और लाइव को उन्होंने शेयर नहीं किया। शेयर से मतलब कि खेसारी लाइव आते हैं, लाइव जब बीतता है तो उसको आप शेयर करते हैं तो ये पोस्ट के रूप में रह जाता है, बाद में भी जो लोग आते हैं वो उसको देख सकते हैं। लेकिन खेसारी ने इसको शेयर नहीं किया, लाइव आए और उसके बाद उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया है, जिसके चलते अभी आप उनके अगर वो इंस्टाग्राम आईडी पे जाएंगे तो वो पोस्ट नहीं दिखेगा। अब इसके अलावा अब लाइव में खेसारी कहते हैं क्या कि जितने लोग भी न्यूज़ बना रहे हैं 5 करोड़ रुपए को लेकर, ये सारी बातें झूठी हैं, जानबूझकर उनको बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वो कहते हैं ये 5 करोड़ रुपया कंपनी ने उनको दिया नहीं है, बल्कि कोर्ट का जो फैसला आया उसमें लिखा है कि कंपनी उनसे मुआवजा मांग रही है कि उसका काम पूरा नहीं हुआ तो 5 करोड़ रुपये खेसारी को देने पड़ेंगे। अब हमने जो वो 89 पन्ने का जो एक तरह से कहे तो फैसला जो सोशल मीडिया पे घूम रहा है उसकी बात करें, उसमें जो लिखा है तो तीन उसका जो 89 पेज में तीसरा पेज से लेकर 7वां पेज तक है, उसमें एक फैक्ट दिया गया है कि क्या क्या क्लेम कंपनी ने किया है, क्या क्या एग्रीमेंट बना है। अब उस एग्रीमेंट में है कि सबसे ऊपर जो लिखा है, आप अब स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि 200 प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट बना था। अब प्रोजेक्ट में था कि जितना भी ये गाना होगा, वीडियो बनेगा उसका, तमाम तरीके की चीज़, डांस करेंगे, खेसारी एक्टिंग करेंगे, मतलब 200 गाने ऐसे शूट होंगे और खेसारी लाल यादव को इसके बदले 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 5 करोड़ रुपए और उसके अलावा जो टैक्स होते हैं वो भी कंपनी देगी। इसके लिए बताया क्या गया है कि 2021 में जब एग्रीमेंट साइन होता है, एग्रीमेंट के बाद अगले 15 दिन में खेसारी लाल यादव को ये कंपनी 30 लाख रुपए देगी एग्रीमेंट के साथ 15 दिनों के अंदर। फिर उसके बाद जब 1 महीने बीतेंगे और खेसारी को 200 गानों में से कुछ गाने कर लेने थे जो एग्रीमेंट में तय हुआ है, उतने गाने जब खेसारी कर लेंगे उसके बाद कंपनी फिर से उनको रुपए देगी 1 महीने बाद, 30 लाख पहले देने के बाद, और 1 महीने बाद इस बार 1.5 करोड़ रुपए कंपनी फिर से देगी। Okay. अब दो बार इंस्टॉलमेंट पूरा हुआ, 1 30 लाख का, 1.5 करोड़ का, और फिर जब 60 दिन पूरा हो जाएगा फिर खेसारी कुछ काम कर लेंगे, गाने कर लेंगे, तो दोबारा से कंपनी खेसारी को 3.20 करोड़ रुपए देगी। अब 3.20 करोड़, फिर 1.5 लाख और 30 लाख, ऐसे करके कुल 5 करोड़ रुपए 200 गाने के लिए 30 महीने का पूरा ये
बना हुआ था एग्रीमेंट कि 30 महीने के अंदर खेसारी इतने गाने कर देंगे, 200 गाने, और इसके बदले 5 करोड़ रुपए दे देगी। अब ये जो सारा खेल है 2021 का मामला है, 60 दिन कब के पूरे हो चुके हैं, तो जैसा कि एग्रीमेंट में लिखा है उसके अनुसार कंपनी ने खेसारी को 5 करोड़ रुपए दिए होंगे, यही क्लेम कंपनी की तरफ से किया गया है, लेकिन खेसारी कह रहे हैं कि उनको पैसा मिला ही नहीं है। अब सारा खेल इसी पे अटका हुआ है। खेसारी जिस प्रकार से लाइव में बातें कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि झगड़ा अभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि खेसारी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि उनको पैसे मिले हैं। और दूसरी तरफ से कंपनी का दावा है, कोर्ट के फैसले में भी ये लिखा हुआ है कि कंपनी ने 5 करोड़ रुपये ऐसे ऐसे इंस्टॉलमेंट में, 3 इंस्टॉलमेंट में उनको दिए हैं। अभी आगे देखना है खेसारी क्या स्टेप लेने वाले हैं, क्योंकि खेसारी बता भी रहे हैं कि ये कुछ चीज़ रुकने वाला नहीं है, इससे भी बड़ा ऊपर मतलब जा सकते हैं। उनका इशारा होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं, और भी फैसला आएगा, वो कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखना है खेसारी इसमें क्या कुछ करते हैं। बाकी ये जो 5 करोड़ की सच्चाई थी, खेसारी कुछ और बता रहे हैं, कोर्ट के फैसले में कुछ और लिखा है, आप लोग इसके बारे में। बेसिकली GMJ ये चाहता था कि खेसारी लाल यादव किसी और के साथ काम ही ना करे, सिर्फ उनके साथ काम करें। इसके लिए उन्होंने खेसारी लाल यादव को 5 करोड़ रुपए दिए, लेकिन खेसारी लाल यादव नहीं माने, उन्होंने दूसरी कंपनीज के लिए काम करना जारी रखा और इनके लिए काम करना बंद कर दिया। तो ये इस वजह से उन्होंने क्लेम ठोक दिया कि भैया हमारा तो नुकसान कर दिया तुमने, हमने 200 गानों का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ बनाया, बेसिकली हमने तुम्हें पूरा खरीद लिया, 5 करोड़ देके तुम्हें खरीद लिया, 200 गाने जब तक नहीं होता। तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता यार, कोई भी कलाकार बिल्कुल कैदी तो नहीं बन सकता। कलाकार तो फ्री रहता है यार दोस्त, कलाकार ऐसा थोड़ी नहीं कर सकता यार। बिल्कुल यार, और वो या तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, ठीक से पॉलिसीज पढ़ी नहीं होगी। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशन इतने पन्नों, 89 पेज का तो वही है भाई कोर्ट का फैसला, तो उनका वो भी तो उतना ही बड़ा होगा, एग्रीमेंट भी तो बड़ा होगा, और अंग्रेजी में छोटे छोटे अक्षरों में लिख दिया होगा टर्म्स कंडीशन, तो क्या पता होगा। तो भाई कहीं भी ये मेंशन, खेसारी लाल यादव तो बोल रहे कि मेरे को पैसा नहीं मिला, तो हमें भी हो सकता है पैसा नहीं मिला, क्योंकि अगर पैसा मिला होता तो उसका प्रूफ भी तो देना पड़ता है ना कि पैसा मिला भाई, हमने चेक के थ्रू दिया है या ऑनलाइन पेमेंट किया, जैसे भी किया होगा तो वो तो पता चल ही जाता। और खेसारी लाल यादव के पास 5 करोड़ रुपये तो है कि वो दे सकते हैं, अगर दिया भी होगा तो उस केस को रफा दफा करने के लिए तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अब बात और आगे जाएगी। इट मीन्स अब खेसारी लाल यादव मुझे लग रहा है कि दावा ठोक सकते हैं GMJ पर, और वो उल्टा पैसा ले सकते हैं कोर्ट के थ्रू कि भैया तुम मुझे बदनाम कर रहे हो, अब तुम पैसा दो मेरे को, मेरे को बदनामी के बदले में। बिल्कुल, तो इस केस पे नज़र रखना पड़ेगी हमको भी, क्योंकि खेसारी लाल यादव हमको भी काफ़ी पसंद है, और ये बिगेस्ट कंट्रोवर्सी, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है यार, सीरियस कंट्रोवर्सी है यार। अभी तक तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं यार कि इतना बड़ा मैटर चल रहा है, और इस पता नहीं कितने दिन हो गए इस चीज़ को चलते हुए, हमारी नज़र में अब आया है ये। हाँ यार, तुम लोग यार पूरा ध्यान नहीं दे रहे हो यार, गलत बात है, बस गानों पे रिएक्शन देने का बोल रहे हो। भाई हमारे एक चैनल पे 2-2 स्ट्राइक पड़ी है, इसलिए हम गानों पे भी रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। जो लोग गानों पे रिएक्शन मांग रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गानों पे रिएक्शन अभी मत मांगो, क्योंकि हम गानों पे रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। गानों के ऊपर ऑलरेडी हमारे चैनल पे स्ट्राइक पड़ी हुई है, जिसके अगर एक भी स्ट्राइक हमारे चैनल पे आ जाती है तो हमारा चैनल खत्म हो सकता है, बंद हो सकता है। तो यार आप लोग अगर चाहते हो कि आप लोग हमें इसी तरह से प्यार देते रहो और हम आपका प्यार लेते रहें और आप लोगों का एंटरटेनमेंट करते रहें, तो प्लीज़ यार दूसरे वीडियो भी देखो यार, क्या गानों के रिएक्शन ही देखते हैं। गानों के रिएक्शन के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है यार, वो भी देखो ज़रा। अच्छे अच्छे ट्रेलर्स आ रहे हैं अभी, हम उस पर रिएक्शन दे रहे हैं, अच्छे अच्छी न्यूज़ आ रही है, अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आ रहे हैं, उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। तो वो भी हमारा एक और चैनल एम्ब्रोज ब्लॉग, उसको भी जाकर सब्सक्राइब करो, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे BTS और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट आने वाले। अभी खेसारी लाल यादव की जीवनी वाला वीडियो हमने उस चैनल पर डाला है, जाके आप देखिए, बहुत कमाल का वीडियो है। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जाके आप जरूर वाला वीडियो जरूर देखना, बहुत कमाल का वीडियो है। तो कैसा लगा ये वीडियो, और खेसारी लाल के इस मैटर में आप कितना जानते हैं कमेंट बॉक्स में डाल दो या लिख दो, तो हम थोड़ा और ज़्यादा से अच्छे से जान पाए इस बारे में। और कुछ नई अपडेट आती है तो कमेंट करके जरूर बताना, हम जरूर इस पर वीडियो बनाएंगे और हम खुद अपने लेवल पर भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि अभी मैटर कहाँ है, तक पहुँचा है और क्या लाइव स्टेटस है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, और इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।